खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ लगातार पंजाब का किसान देश का किसान हर वर्ग लड़ाई लड़ रहा है। हर वर्ग वालों यही कहा जा रहा कि किसानों के हक उन्होंने दिते जा। पोलीटिकल पार्टियां भी कुछ चुकिया ने, तमाम पार्टियां पंजाब दियां बीजेपी छड़ के लगातार समर्थन कर रही ने किसानों का। तो किसानों के समर्थन के इतने चंडीगढ़ सैक्टर 17 के हो रहे प्रदर्शनों के भी पहुंचे ने साढ़े इतने विक्रम मजीठिया जी ने। मजीठिया साहब, अज तुसी किसानों के लिए इतने पहुंचे हुए हो, लगता है कि अज लोकतंत्र की होंद की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके का तानाशाही रवैया केंद्र सरकार वालों किसानों के नाल किया जा रहा, लगता वाजब है कि देखो बड़ी दुख की गल है कि जिन लोगों ने सरकारां बनाईया ने वो लोग तो इस कड़क की ठंड च सड़क पर बैठे, और जिस जालिम सरकार उन्हां छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का या 90 साल बुजुर्गों का मावां का दर्द महसूस नहीं हो रहा, वो सरकार दे रहन दे हकदार नहीं है। अज 12 दिन हो गए है, 12 दिनों च किहदी गल सुनन दी गल चल रही है? जिन्हां ने देश नूं फूड सिक्योरिटी दित्ती, तो जिहड़ा जय जवान जय किसान दे कि तां नारे लाउंदे आ, वो तो पहरा दिंदे आ जिहड़े सड़क ते बैठे। पहरा देण वाले दा ये हाल है, तो फिर बाकियां दा की हाल होणा? इसलिए मैं समझदा कि मोदी साहब नूं उस कट्ठ च जाके दोवें हाथ जोड़ के किसानों को माफ़ी मंगनी चाहिए और काले कानून वापस लेने चाहिए। फिर मैं समझूंगा कि किसी ना किसी हद तक सरकार ने आपकी गलती एहसास किया। रोज़ उन्होंने सद के जलील करके घर को भेज देना, थोनू समझ नहीं आई असी थोनू समझा दें, जिन्हू जिहड़ा वाही करता जे उन्होंने नहीं समझ आ रही तो दिल्ली बैठे एसी या हीटर चला के उन्होंने की समझ आ जानी। ठीक है सर, 10 दिन मैं भी केंद्र दिल्ली में ला के आया, किसान लगातार ही गल कहते कि साढ़े तो कोई गुनाह हो गया, असी हरी क्रांति लैके आती, असी देश का ढिड भरिया, असी दिन रात नहीं देखिया, असी खेतों के सप्पां दियां सिरियां दे उत्ते पैर रख के अन्न बोया, लोगों तक पहुँचाया, दुनिया तक एक्सपोर्ट हुंदा पिया साडा, ते अज साडे ही हक, असी तो न्यूनतम मुल मंग रहे हैं, घट्टो घट समर्थन मुल मंग रहे हैं, ज़्यादा तो असी मंग ही नहीं रहे, जो पहला मिलता सी अज दे दो, असी तो इन्नी क लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साढ़े ना रवैया अज इस तरीके किया जा रहा कि यह तो खालिस्तानी स्पोंसर है, यह तो विरोधी धिरां दे स्पोंसर है। इस तरह की शब्दावली केंद्र सरकार के कुछ वजीरां वालों कुछ MLA वालों वर्तना तुहानूं लगता कि जायज़ है? देखो एक गल जो BJP की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि जिहड़ा भी अंदोलन उहदे उल्ट हुंदा है उहनूं वो नैशनल सिक्योरिटी का रूप दे के उहनूं खराब करन की कोशिश करदे। यही कुछ इन्हां ने नोटबंदी वेले CA वेले हर तरीके नाल हर कौम किसी ना किसी तरीके बदनाम करने की कोशिश। मगर मैं अज बेनती करदा कि जेडे लोग उत्थे बैठे है ये असल नैशनल सिक्योरिटी ये देंदे है, जे अन्न पैदा करन ते नैशनल सिक्योरिटी वैसे ही खतरे च रहे सारा टाइम, क्योंकि थोनू जाके अन्न बाहरले मुल्कां तो लैना पवे। इसलिए जेडे लोगों ने दिन रात मेहनत करके ना धुप ना मीह ना ठंड की परवाह की होवे, जे उन्हां दे दिल च कोई दर्द है उस दर्द नूं नंगे पैरी जाके मोदी साहब नूं एड्रैस करके माफ़ी मांग के एक काले कानून वापस लें। जिहड़े भी कानून बनाए जाते BJP दे समझ आउंदे ने, चाहे नोटबंदी की तो BJP दे समझ आई पूरे देश दे समझ नहीं आई, GST बनाई तो व्यापारियों दे समझ नहीं आई पूरे BJP दे लीडर दे समझ आ गई, CA बनाया मुसलमान दे समझ नहीं आया, कानून बनाए 3 तलाक लैके BJP दे समझ आए मुस्लिम दे समझ नहीं आए, जे हुण किसानां लई कानून बनाए तो किसानों दे समझ नहीं आए BJP दे फिर समझ आ गए। लगता कि सारी समझ BJP च ही आ गई, किसानों या होर तबकों में तो कोई समझ ही नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है। इस गल का दुख है कि समझे जिन्होंने देश नू सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी दिती उन्हूं इन्नी समझता है कि केड़ी फसल उगानी है किवें करना किवें मेहनत करनी है, उन्हूं आपदी हर फसल का पता है, देश नू केड़ी फसल की लोड़ है, जदों देश नू लोड़ पवे तो किसानों के मूँह वल झाकदे, जदों लोड ना होवे तो फिर कहिंदे बेसमझ लोग ने। ये एरोगेंस है, ये इनडिफरेंस एटीट्यूड है, एक सवाल बन चुका बिल्कुल। और मैं समझदा कि मंत्रियों का सरकारों का यह काम नहीं, लोग बड़े समझदार है, पब्लिक सब जानती है, सरकार की मंशा माड़ी, सरकार की मंशा सिर्फ अंबानी अडानी की मदद की है, व्यापारियों की मदद की है,
सरकार दी किसानां दे दर्द नूं समझण दी मंशा नहीं है और स्पष्ट सामने आ रही। ये तो कल उन्होंने मीटिंग च भी कहते कि किसानां दा हक असी हक जे असी पूर लिया तो असी अबानी अंबानी अंडानी गुस्से हो जाएंगे तो असी फिर उन्हां नूं किवें मनावांगे। ये ऑन रिकॉर्ड बोली उन्होंने मीटिंग दे विच बोली है। गल लगता कि किसान तो ज़्यादा वड्डे अंबानी अडानी हो गए जिहड़े दो बंदे अंबानी अडानी गुस्से हो जाण उन्हां दा इन्ना फिक्र ते 70% आबादी दुखी फिरदी है उहदा कोई फिक्र नहीं। सरकार दा इनडिफरेंट एटीट्यूड सरकार दी एरोगेंस इच्चों झलकदी और मैं बार बार कहना कि कल दी मीटिंग दी वेट करन दी जगह अज मोदी साहब ऐलानन माफ़ी मंगण नंगे पैरी जाके दिल्ली दे बार्डर तो जिन्हां लोकां ने देश नूं सिक्योरिटी दित्ती है उन्हां नूं जिस तरीके नाल ट्रीट किया गया उन्हां तो जाके माफ़ी मंगना बनता। किसान का पुत मजदूर बनाने की कोशिश है लगातार जिहड़े कानून बनाए गए ने वो इस मॉडल दे विच बनाए गए ने। खेतीबाड़ी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किसान का पुत मजदूर बनाना पिंडा चो कढ़ के शहरां दे विच मजदूर बनाया जाना लगता कि कवायत की यह शुरुआत हैगी। किसान के पुत किसान के पुत मजदूर बनाने की कवायत हैगी मॉडल तैयार किया सारे इकट्ठे है जी। इत्थे थानू मजदूर भी दिस रहा इत्थे थानू व्यापारी भी दिस रहा इत्थे थानू किसान भी दिख रहा इत्थे थानू एम्पलॉई भी दिस रहा ये तो देश इकट्ठा हो गया। सो ये किसी नू डिफरेंशिएट करन दी गल नहीं जिन्हां ने फूड टेबल ते रख्या है जो रोटी टेबल ते रखदा उहदे दर्द नू महसूस करन दी गल चल। धन्यवाद जी। तो इन्हें विक्रम मजीठिया अकाली दल के सीनियर लीडर ने ते इत्थे पहुँचे हुए ने समर्थन दे विच किसानां दे समर्थन की गल कर रहे हैं। तो लगातार बहुत सारे सवाल लगातार पोलीटिकल पार्टियां ते उठाए जाते हैं बीजेपी लीडर वालों कि पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां स्पोंसर कर रही ने ये किसान एजिटेशन उसके सवाल का भी जवाब दिता ते नाल नाल एक बड़ी अहम गल कही कि कल की मीटिंग का इंतजार करने तो पहला मोदी सरकार नूं किसानां च जाके माफ़ी मांग के ये कानून वापस लै लेने चाहिए ने। तो एक वड्डी खबर हैगी कि अकाली दल लगातार जिहड़े इस प्रदर्शन दे विच लगातार शामिल जरूर हो रहा हालांकि ये प्रदर्शन पॉलिटिक्स तो उपर हैगा पॉलिटिशियनां तो पॉलिटिक्स तो बहुत उपर प्रदर्शन जा चुकिया हैगा ये मोर्चा जा चुकिया हैगा। तो लगातार किसान कह रहे हैं कि सानू पॉलिटिकल पार्टियां की जरूरत नहीं हैगी सानू सिर्फ किसानां दी जरूरत हैगी उन्हां समर्थकां दी जरूरत हैगी है जिहड़े किसानी लई दर्द रखदे होण। तां इस नूं लैके लगातार पोलीटिकल पार्टियां भी हालांकि मैदान च उतर चुकियां ने लेकिन ये जिहड़ा प्रदर्शन हैगा ये किस रूप वल जाएगा किसानां नूं उन्हां दा हक मिलदा या नहीं मिलदा ये आने वाला समा दसेगा। कल 9 तरीक नूं मीटिंग होण जा रही है मीटिंग दे विच की रहिंदा किस तरीके नाल मोदी सरकार डील करदी किसानां नाल ये देखण वाली गल होएगी। कैमरामैन दीपक दे नाल रविंदर सिंह दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़। All World Open Challenge 17 time gold medalist Mian Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to savdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free Mian Rafiq Mohammed mobile 84374 94647 84374 94648।